जब माता जानकी जी ने प्रण किया, श्री राम जी ने धनुष को दो भागों में तोड़ दिया। श्री राम जी ने धनुष जैसे ही तोड़ा, महलों में, भुवन में, आकाश मंडल में धनुष टूटने की गर्जना गूंज रही थी। देखा गया सखियां जो थी, चतुर सखियां सीता जी को लेकर के रंग भूमि में आई, श्री राम जी के गले में माल्य अर्पण करने के लिए। माता जानकी जी ने उसी क्षण देखा है मेरे भक्तों, श्री राम जी के गले तक माला को लेकर के नहीं पहुंच पा रही है। सखियों ने इशारा किया, थोड़ा सा झुक जाओ, हमारी सीता बहुत छोटी है, गले तक नहीं पहुंच पा रही है। उसी क्षण इशारा सखियों ने किया, लेकिन श्री राम जी सोच रहे कि अब अगर अभी मैं झुक गया तो त्रेता युग है, और त्रेता में अगर झुक गया तो कलयुग में क्या माहौल आ जाएगा झुकते झुकते। वैसे भी मामला बड़ा गंभीर है, और फिर तो और बड़ी समस्या, श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए श्री राम जी ने सोचा कि काम भी बन जाए और झुकना भी ना पड़े। अब झुक तो जाते हैं, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के झुक जाए तो ज्यादा सही है, और डायरेक्ट झुकना तो बहुत बड़ी बात है। श्री राम जी ने क्या किया, खड़े रहे। सखियों ने कहा सीता जी से, किसी अटारा राम गले जय माला, सिया डारो राम गले जय माला।
आगे अर्पण करो, जानकी जी नहीं पहुंच पा रही है। लक्ष्मण की तरफ इशारा किया देवर, यानी मुझे वर दीजिए, देवर।